जनपद हापुड़ की तीनों गन्ना समितियों में होने वाले चुनाव को लेकर गुरुवार को डेलीगेट्स पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चलेगी। जनपद हापुड़ की तीनों गन्ना समितियों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, राजनीति गरमा रही है। सिंभावली में सतवीरी देवी आदि ने नामांकन किया। 9 वर्ष बाद प्रदेश की गन्ना सहकारी समितियों में सभापति और संचालक पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। बुधवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी जिसके बाद आपत्तियां दाखिल की गई थीं। 25 सितंबर को आपत्तियों पर निस्तारण कर दिया गया। नामांकन के दौरान लोगों ने मिलीभगत के आरोप भी लगाए और किसान संगठन ने तो बैठकर धरना भी दिया और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। कटनी दे रहे हैं ये डेलीगेट का चुनाव है डायरेक्टरी का, बहुत देर से खड़े, एक घंटा हो गया हमने खड़े खड़े, कोई टिकट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, अब नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ना, कोई भी पता नहीं कहाँ है, यहाँ नहीं है जी कोई भी, बहुत कानून व्यवस्था खराब है यहाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया चल रही है किसानों की, जो समिति होती है गन्ना समिति, उसमें चुनाव प्रक्रिया चालू ही है। जो प्रतिनिधि बनेंगे, जो डेलीगेट बोले जाते हैं, उनका चुनाव है। परंतु यहाँ हापुड़ सोसाइटी में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर बहुत देर से, सुबह से लाइन लगी हुई है, एक भी टिकट नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले ही पर्चे बांट दिए हैं, परंतु कुछ हंगामा किसान यूनियन हमसे पहले कर चुकी है और किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पर जो प्रक्रिया चालू हुई है, बहुत स्लो लाइन चल रही है, सब किसान परेशान हैं। जो डेलीगेट का पर्चा खरीदना चाहते हैं उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है, बहुत स्लो चल रहा है और ये एक सत्ता का जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसान परेशान है। आज ये टिकट खरीदा जाएगा और भरा भी जाएगा और ये कल 27 तारीख को वापसी है और 3 तारीख को चुनाव होगा और 3 में ही काउंटिंग होगी, जो डेलीगेट चुने जाएंगे उनकी घोषणा की जाएगी। आज गन्ना समिति के चुनाव के लिए पर्चा लेने के लिए आए हैं, 3 दिन से पर्चे बट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि पार्टी के लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं, जो और पार्टी के लोग हैं आम जनता, उसके लिए कोई पर्चा नहीं दिया जा रहा। अब जाके किसान यूनियन आई है, उसके आने के बाद पर्चे का वितरण चालू हुआ। लाइन में लग रहे हैं जी, एक घंटे से लाइन चली नहीं है, एक घंटे से कोई लाइन नहीं चली, सही हुई के हुई है, अंदर खाने टिकट अपने आदमी टिकट दे रहे हैं, अपने आदमियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। क्या हुआ? एजीएम साहब से भी बोल दिया, सचिव साहब से बोल दिया, कल से टिकट बट रहे हैं। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए, ये तो खाना पूर्ति के लिए लाइन लगाई जा रही है, कोई टिकट का बंटवारा सही नहीं हो रहा यहाँ। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति लिमिटेड की गन्ना समिति के चुनाव है जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहे थे, जिस सरकार बार बार इसको जो बदल रही थी, तो काफ़ी अंतराल के बाद ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज इसके अंदर नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि है। ये डेलीगेट्स चुने जाते हैं, जो गन्ना सोसाइटी के डेलीगेट्स हैं। उसके बाद में बोर्ड की बैठक होगी, उसमें डायरेक्टर बनेंगे और चेयरमैन होंगे। गन्ना समिति का डेलीगेट का चुनाव हो रहा है और आज यहाँ का नामांकन है और कल टिकट वापसी का वो है और 3 तारीख को वोट डलेंगे। जनपद में 3 गन्ना समिति हैं जिसमें लगभग 69,015 मतदाता हैं। जिले के 286 गांव में गन्ना सदस्य हैं जो तीनों समितियों पर 501 डेलीगेट का चुनाव करेंगे। 501 डेलीगेट तीनों समितियों पर 11-11 संचालक का चुनाव करेंगे। इसके बाद तीनों समितियों पर सभापति का चुनाव होगा। राजनीतिक अखाड़े में गतिविधि तेज हो गई है। 27 सितंबर को पत्र का निरीक्षण, दोपहर बाद नामांकन सूची जारी होगी। 30 सितंबर को नाम वापसी, दोपहर बाद चुनाव चिन्ह आवंटित। 3 अक्टूबर को 4 बजे तक मतदान, इसके पश्चात मतगणना होगी। डायरेक्टर के पदों के लिए चुनाव 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, वैध सूची का प्रदर्शन होगा। 14 अक्टूबर को नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन। 16 अक्टूबर को मतदान और नतीजे घोषित किए जाएंगे। 17 अक्टूबर को उपसभापति और सभापति का चुनाव होगा।